हेलो फ्रेंड्स, BK24 स्टडी जोन के डेली करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज़ में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। रोज़ मॉर्निंग में 4 बजे हम करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, तो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए हमारे डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स। इस करंट अफेयर्स वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा PDF। पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो कल की वीडियो का क्वेश्चन है। कल 3 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे और इन क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करके बताने थे। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा 26वीं बार ला लीगा का खिताब जीता गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला था, यानी कि बार्सिलोना की टीम ने 26वीं बार ला लीगा का खिताब अपने नाम किया है। देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपसे पूछा था मैंने कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज एडन मार्करम के स्थान पर इंग्लिश काउंटी हैम्पशायर में शामिल होने वाले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला था, यानी कि अजिंक रहाणे अभी हाल ही में इंग्लिश काउंटी हैम्पशायर में शामिल हुए हैं और ये इसमें शामिल होने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में किस देश में मानव के सबसे प्राचीन पैरों के निशान खोजे गए हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला था, यानी कि चिली में मानव के पैरों के निशान खोजे गए हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार ये जो पैरों के निशान हैं ये 15,600 साल पुराने निशान हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मानव के सबसे प्राचीन पैरों के निशान चिली में खोजे गए हैं। अब शुरुआत करेंगे आज की करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन एशियाई स्क्वॉश चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि सौरभ घोषाल अभी हाल ही में एशियाई स्क्वॉश चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। तो आपको सौरभ घोषाल का नाम यहाँ से याद होना चाहिए। मैं आपको पिक्चर दिखा दे रहा हूँ, तो यहाँ पर से आप देख रहे हैं एक तरफ आपको सौरभ घोषाल दिख रहे हैं जिन्होंने कि जो है एशियाई स्क्वॉश चैंपियनशिप का खिताब जीता है और ये इस खिताब को जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी हैं। दूसरी तरफ आपको दिख रही हैं ज्योत्सना चिनप्पा, इन्होंने भी ये खिताब जीता है महिला एकल में। ठीक है, तो इनका नाम भी याद रखिएगा, इन्होंने दूसरी बार जो है एशियन स्क्वॉश चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ठीक है, पुरुषों में पहली बार जीता गया है और महिलाओं में जो है लगातार दूसरी बार ज्योत्सना चिनप्पा ने जो है एशियन स्क्वॉश चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है, तो आपको इन दोनों का नाम यहाँ से याद होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी हॉलीवुड फिल्म सबसे कम समय में भारत में 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाली पहली फिल्म बन गई है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है एवेंजर इंड गेम अभी हाल ही में 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाली पहली हॉलीवुड फिल्म बन गई है। तो इस हिसाब को यहाँ से ध्यान होना चाहिए, काफ़ी कम टाइम में जो है इसने 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। इस फिल्म ने दूसरे वीकेंड में 310 करोड़ रुपए की कमाई की है, यानी कि कुल 310 करोड़ रुपए की जो है कमाई की है इसने मात्र 2 सप्ताह में। ठीक है, तो याद रखिएगा एवेंजर है ये। ठीक है, एवेंजर्स इंड गेम दोनों जो है ये जो नाम है पूरा याद रखिएगा, क्योंकि एवेंजर की कई सीरीज़ हैं। ठीक है, तो 300 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली ये पहली हॉलीवुड फिल्म बन गई है भारत में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि हाल ही में लॉन्च पुस्तक गेम चेंजर किस खिलाड़ी की आत्मकथा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि शाहिद अफरीदी की आत्मकथा का नाम है गेम चेंजर। इस पुस्तक के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका था, लेकिन ये पुस्तक उस वक्त लॉन्च नहीं हुई थी, अभी पुस्तक लॉन्च हो चुकी है। याद रखिएगा कि इस पुस्तक को लिखा है वजाहत सईद खान ने और शाहिद अफरीदी की जो है ये आत्मकथा है। शाहिद अफरीदी का नाम आप सभी लोग जानते होंगे, पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर हैं शाहिद अफरीदी। इस पुस्तक का जो फ्रंट पेज है, जो इसका कवर पेज है, आप यहाँ पर से देख पा रहे हैं, इसमें शाहिद अफरीदी बने हैं और गेम चेंजर जो है इस पुस्तक में लिखा हुआ है। ठीक है, इस पुस्तक को वजाहत सईद खान ने लिखा है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इस पुस्तक में इन्होंने बहुत से खुलासे किए हैं, भारत के जो खिलाड़ी हैं गौतम गंभीर उनके बारे में भी जो है इस पुस्तक में कई चीज़ें लिखी गई हैं। याद रखिएगा कि शाहिद अफरीदी का कहना है कि उनका जन्म 1975 में हुआ था, जबकि जो आधिकारिक जो इनका जो जन्म का जो तारीख है वो पूरे जो ईयर के साथ दर्ज है उसमें 1980 लिखा गया तारीख के साथ। ठीक है, जबकि इनका कहना है कि ये 1980 में नहीं बल्कि इनका जन्म 1975 में हुआ था। ठीक है, तो इसी पुस्तक में जो है इन्होंने ये बात भी लिखी है, तो बस आपको इसी यहाँ से ध्यान होना चाहिए पुस्तक किसकी आत्मकथा है, लेखक कौन है, और ये खुलासा अगर आप याद रख सकते हैं तो ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4th की कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने फानी तूफान से
प्रभावित उड़ीसा राज्य को तत्काल 10 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि तमिलनाडु। अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार की तरफ से उड़ीसा सरकार को 10 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। आपको ध्यान होना चाहिए कि अभी हाल ही में उड़ीसा में तो फानी तूफान जो है कि एक चक्रवाती तूफान था, यहाँ पर जो है काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है इसने तबाही मचाई है। इस तूफान के कारण यहाँ पर 10,000 गांव और 52 जो शहर थे वो इसके चपेट में आए हैं और यहाँ पर भारी मात्रा में जो है नुकसान हुआ है और इसी के लिए 10 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है तमिलनाडु सरकार की तरफ से। इसके अलावा भी कई राज्य हैं जो अपना जो है अलग अलग जितनी भी कह सकते हैं एक तरीके से वित्तीय सहायता है वो दे रहे हैं उड़ीसा सरकार को। इसके अलावा यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जो है सीएम राहत कोष से 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है फिलहाल में, ठीक है, और तमिलनाडु सरकार ने तत्काल जो है ये 10 करोड़ रुपए यहां पर प्रदान भी कर दिए। तो बस आपको इसे ध्यान होना चाहिए, 3 पॉइंट लिखे हैं याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां है जिसमें हमको बताना है कि हाल ही में गंगा के लिए अनशन पर बैठे किस पर्यावरणविद ने 194 दिनों के बाद अपना उपवास तोड़ा है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ई वाला, यानी कि स्वामी आत्मबोधानंद ने अभी हाल ही में 194 दिनों के बाद अपना अनशन तोड़ा है। स्वच्छ गंगा के लिए जो है ये अनशन पे बैठे थे। इनका कहना था कि जो गंगा को रोक कर बहुत सी परियोजनाएं जो है सरकार बना रही है, बहुत से डैमों का निर्माण कर रही है, इसके तरीके से जो है अवैध खनन किया जा रहा है, नदियों के जो बालू है बह के आती है उसका अवैध खनन हो रहा है, मतलब बहुत सी चीज़ों का, तो इनका कहना था कि इसकी वजह से जो है गंगा प्रदूषित हो रही है और गंगा का पानी लगातार कम होता जा रहा है जिसके कारण ये 194 दिनों से जो है उपवास पर बैठे थे। तो याद रखिएगा फिलहाल में जो है इन्होंने अपना उपवास तोड़ दिया है और इनका कहना है कि अगर सरकार इनकी मांग नहीं मानती है तो एक बार फिर से ये अनशन करेंगे, ठीक है। तो इनका नाम आपको ध्यान होना चाहिए, इनका नाम है स्वामी आत्मबोधानंद, ठीक है। याद रखिएगा कि 24 अक्टूबर 2018 को ये हरिद्वार में अनशन पर बैठे थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि हाल ही में किस देश में इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान सुखोई सुपर जेट 100 विमान में लगी भीषण आग से 41 लोगों की मौत हो गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि रूस। याद रखिएगा इस तरह की जो घटनाएं होती हैं जो कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि रूस में ये घटना हुई थी जिसमें सुखोई सुपर जेट 100 विमान में आग लगी थी और इसके कारण 41 लोगों की जो है मौत हो गई थी। ये बेसिकली ये जो घटना है ये मास्को के सेमेटियो एयरपोर्ट पर हुई थी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से याद रखिएगा, एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको ध्यान होना चाहिए। अगर हम बात करें रूस की तो रूस की राजधानी मास्को है जहाँ पर ये घटना हुई है, मुद्रा है रूबल और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां है कि हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा किस स्थान पर वेला नामक चौथी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन का शुभारंभ किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि मुंबई में। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा मुंबई में वेला नामक चौथी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन का शुभारंभ किया गया है। याद रखिएगा कि भारत कुल 6 स्कॉर्पियन सबमरीन को पानी में उतारने वाला है जिसमें से जो ये वेला है ये चौथा सबमरीन है। 2 अन्य सबमरीन हैं जिनको कि पानी में उतारा जाना है जिनका नाम है INS वागीर और एक का नाम है INS वाक्सीर, ठीक है। तो इन दोनों को भी जो है पानी में उतारा जाना है, इन पर जो काम है वो लगभग पूरा हो चुका है और बहुत जल्दी ही ये भी जो है इनका भी शुभारंभ हो जाएगा। याद रखिएगा कि स्कॉर्पियन सीरीज का जो पहला पनडुब्बी था उसका नाम था INS कलवरी, ठीक है। तो आपको इस तरह से ध्यान होना चाहिए, याद रखिएगा ये INS वेला का नाम आपको पता होना चाहिए कि अभी इसको हाल ही में जो है जल में उतारा गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां है कि हाल ही में स्पेस एक्स ने ड्रैगन अंतरिक्ष यान के साथ किस रॉकेट को लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि फाल्कन 9। अभी हाल ही में स्पेस एक्स की तरफ से ड्रैगन अंतरिक्ष यान के साथ फाल्कन 9 रॉकेट को लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा कि स्पेस एक्स ने अभी हाल ही में अंतरिक्ष स्टेशन के लिए कार्गो विमान लॉन्च किया है और उसी दरमियान जो है इस रॉकेट को लॉन्च किया गया, ठीक है। स्पेस एक्स एक निजी अमेरिकी एयरोस्पेस निर्माता कंपनी है। इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको पहले बहुत सी चीज़ें बता चुका हूँ। स्पेस एक्स की अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इसका जो मुख्यालय है वो है हॉर्थ्रोन कैलिफोर्निया अमेरिका में और इसके जो संस्थापक और CEO हैं वो हैं एलन मस्क, ठीक है। तो आपको इसी यहाँ से ध्यान होना चाहिए, काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में इसका मुख्यालय और संस्थापक, तो याद रखिएगा ये दोनों ही पॉइंट। चलिए
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9th है कि हाल ही में निम्न में से किस बैंक के द्वारा $5 बिलियन के हेल्थी ओशियन एक्शन प्लान की शुरुआत की गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि एशियाई विकास बैंक की तरफ से अभी हाल ही में $5 बिलियन के हेल्थी ओशियन एक्शन प्लान की शुरुआत की गई है। आपको ध्यान होना चाहिए कि इसका उद्देश्य पानी के नीचे जो भी जीवन है उसकी रक्षा करना है। इसके अलावा जैसा कि यहाँ से नाम से ही पता चल रहा है, हेल्थी ओशियन एक्शन प्लान यानी कि जो समुद्र है उसको स्वच्छ बनाने के लिए एक एक्शन प्लान, तो जो पानी संबंधी जो भी कार्यक्रम है उन पर जो है इस $5 बिलियन को खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, एशियाई विकास बैंक ने इसकी शुरुआत की है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है और उसके अध्यक्ष हैं ताकी को नकाव। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10th की कि हाल ही में किस देश के द्वारा कम रेंज वाली मिसाइलों का परीक्षण किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि उत्तर कोरिया। अभी हाल ही में उत्तर कोरिया की तरफ से कम रेंज वाली कई मिसाइलों का परीक्षण किया गया है। याद रखिएगा कि जो मिसाइलें हैं इनकी रेंज 70 से 240 किलोमीटर की थी। ठीक है, इनका परीक्षण जो किया गया था इनकी रेंज थी 70 से 240 किलोमीटर, मतलब कि इनकी मारक क्षमता इतने किलोमीटर तक थी। ठीक है, 70 से 240 के बीच में। इससे पहले उत्तर कोरिया ने नवंबर 2017 में अपनी इन मिसाइलों का परीक्षण किया था, एक बार जो है इसने फिर से इन मिसाइलों का परीक्षण किया है। यहां पर से आप देख पा रहे हैं, ये अपना इंडिया है और ये आपको साउथ कोरिया दिख रहा है। इससे जस्ट लगा हुआ जो देश है वो है उत्तर कोरिया। अगर हम इसको कुछ इस तरीके से देखेंगे तो आप यहां पर से देख पा रहे हैं ये दोनों जो अलग अलग हैं, ये साउथ कोरिया है और ये है नॉर्थ कोरिया। ठीक है, तो जो ये मिसाइल का परीक्षण किया गया था वो यहीं आसपास किया गया था, सी ऑफ जापान यानी कि जापान सागर में। ठीक है, तो इसी ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि जब भी नॉर्थ कोरिया कोई भी काम करता है तो पूरी दुनिया की नज़र नॉर्थ कोरिया पे होती है, तो आपको इसी ध्यान से ध्यान होनी चाहिए। नॉर्थ कोरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ के जो शासक हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, जो भी हैं यहाँ के, वो हैं किम जोंग उन। ठीक है, सर्वोच्च शासक हैं यहाँ पर, तानाशाह इनको यहाँ का कहा जाता है, तो याद रखिएगा इनका नाम, और राजधानी है प्योंगयांग। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे एक आपके लिए आज के प्रश्नों की, इन प्रश्नों के उत्तर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। पहला प्रश्न आपके लिए है कि अप्रैल 2019 में जुजाना कैफितोवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। सो ये आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 2nd है कि अप्रैल 2019 में निम्न में से किसके द्वारा सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट 2019 जीता गया है। अजलान शाह कप 2019 किसने जीता है, आपको ये बताना है। देन क्वेश्चन नंबर 3rd कि ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2018 में निम्न में से किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, सो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही साथ मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।